फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और मैं हो गई हूँ थोड़ी सी इमोशनल। एनीवे के ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए हमें नहीं पता। हम अभी हैं, कल नहीं है, एक घंटे बाद नहीं है, कोई नहीं जानता। कुछ इस हाल में ऐसा ही हुआ, दो लोग बहुत अच्छे थे जो कि हमारे दरमियान नहीं होंगे अगले साल में, जिनमें से एक हमारे बड़े मामू खालू थे, लेकिन हम उनको मामू कहते थे, और एक हमारे ट्रेनर मास्टर, बहुत अफसोस है मुझे मास्टर साहब का कि इतने साल वो हमारे साथ रहे, लेकिन जब वो फौत हुए और हमें पता भी नहीं चला, हमें दो दिन बाद पता चला कि उनकी डेथ हो गई है, तो बहुत ज़्यादा जो है अफसोस हुआ और बहुत ज़्यादा शॉक फील हुआ कि यार लाइफ का वाकई कोई पता नहीं है। वो हमेशा हमें कहा करते थे कि जब मैं मरूंगा तो तुम्हें को पता भी नहीं चलेगा, और वही हुआ। एनीवे, साल का आखिरी दिन है, साल के आखिरी दिन में जहाँ बहुत कुछ अच्छा हुआ था, बहुत कुछ अच्छा नहीं भी था। आप चेक करें, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे इस वक्त, बादलों में छुपा हुआ सूरज, साल का आखिरी सूरज, साल का आखिरी दिन आज है। ये है जी मेरी कॉफ़ी, और गलती से मैंने उस दिन एक बार पी ली थी, ब्लर आ रहा है बहुत, तो गलती से उस दिन एक बार पी ली, अब मेरा रोज़ दिल करता है, मैं रोज़ ही पीने बैठ जाती हूँ। तो ये देखिए ज़रा कुछ मेरे कर्ल्स, लाइफ टाइम के जो है मेरे फर्स्ट कर्ल हैं, और जो कि मैंने खुद किए हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं सब कुछ कर लेती हूँ। यानी मुझे खुद को देख देख के ना बहुत प्यार आ रहा है। हाय, मैं सुत के जा। एनीवेज, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे जो बाल हैं वो आज कैसे लग रहे हैं, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। और ये रहा जी हमारा 2021 का डूबता हुआ सूरज। एनीवेज, सूरज तो डूब रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। कोई मैं जाना चाहती थी समंदर पे, सी वीओ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो ज़्यादा थोड़ी डाउन हो गई थी, और मैं गोलियाँ जो थी वो मैंने खाई, पैनाडॉल वगैरह, और मैं सो गई, और एकदम न्यूज़ चल रही थी टीवी में और कह रहे थे डूबता हुआ सूरज, तो मैं एकदम उठी और मैं भाग के आई, दुपट्टा पकड़ा, छत पे आई, और मैंने कहा कि शायद डूब गया, लेकिन हल्का सा जो था वो रहता था। एंड थैंक गॉड के मेरी जो है वो वीडियो बन गई और मैंने देख लिया डूबता हुआ सूरज। मैं बहुत जो है वो बहुत अफसोस करती अगर मैं नहीं देख पाती, लेकिन मैंने देख लिया। एंड खुदा करे कि 2022 जो नया सूरज जब कल चढ़े तो बहुत ही अच्छी नई उम्मीदों के साथ और बहुत खुशहाली वाला वो सूरज वो दिन चढ़े सुबह, और सबकी ज़िंदगियों में खुदा अपनी बरकत और रहमतें नाजिल करे, हर किसी की मुश्किलें परेशानियां दूर करे और हर किसी के साथ हों। और बाय बाय सूरज, बाय बाय 2021।
साल खत्म हो जाता है, मुझे बहुत बहुत अफसोस होता है कि क्यों ऐसा क्यों होता है। मुझे गुड बाय कहना बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। हो चुकी है शाम और अभी हम जा रहे हैं नीचे क्योंकि सर्दी हो रही है और अम्मी मेरी लगी हुई है फोटोशूट में अपने अम्मी आप क्या कहना चाहेंगी नए नए साल की खुशी में। मुझे वो फोटो में ले ही नहीं, नहीं मुझे बिल्कुल इग्नोर कर रही है मम्मी। बाजी आप भी क्या कहना चाहेंगी। मेरी अम्मी मेरे से ना छोटी लगती है, ओ मैं उनकी अम्मा लगती हूँ, वो मेरी बेटी लगती है तो मैं उनको आप ही कहती हूँ। घर पे आप ही है वो मेरी, उनका ना उन्होंने मेरे से, उन्होंने नहीं खुदा ने ना बहुत नाइंसाफी की है मेरे साथ। इतना बड़ा मेरा मुंह बना के ना, ओए बड़ी चीटिंग की है। अम्मा मेरी का मुंह इतना छोटा सा निकाला और मेरा मुंह इतना बड़ा बागर बिलेजा। उफ क्यूट बच्चा मेरा, क्यूट कूटी पाए कूटी पाए कूटी पाए मेरा बच्चा। अभी हम जाएंगे नीचे और नीचे जाके हम करेंगे तैयारी, चर्च जाएंगे। आज रात को 11 बजे सेंट एंथनी चर्च हम जाएंगे और 11 बजे नहीं जाएंगे, 10 बजे जाएंगे या 10:30 बजे, क्योंकि फिर जो है वो रश हो जाती है बहुत ज़्यादा। जो लोग चर्च नहीं आते हैं पूरा साल उन्होंने भी आना है। अच्छा जी, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और हम जा रहे हैं चर्च और चर्च में आपसे मिलते हैं। और ये हमारा चर्च डेकोरेट हुआ। उस दिन मैं वीडियो नहीं बना पाई थी लेकिन आज मैं बना रही हूँ स्टार एंड चर्च की डेकोरेशन। और अभी हम जा रहे हैं चर्च के अंदर। यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी है पुलिस की। अभी चर्च शुरू नहीं हुआ है तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत वीडियो बना रही हूँ। ये हमारी वाह कितनी प्यारी डेकोरेशन, उस दिन मैं बना नहीं पाई थी लेकिन आज मैं आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ। अभी चर्च शुरू नहीं हुआ तो मैं इसलिए थोड़ी बहुत शूट कर पा रही हूँ, वरना तो बहुत रश होने वाली है आज। मैं आपको अंदर का भी सीन दिखा देती हूँ। और ये कुछ इस तरह से अंदर का डेकोरेशन, वाह तो मतलब मेरा लकी डे था आज। ये अंदर की डेकोरेशन वाव सिंपल क्वाइट नाइस। ये
ये हमारी चरनी। और ये हमारा स्टेज जहाँ फादर जी प्रे करवाएंगे। अम्मी मेरी को जो है वो बहुत फिक्र हो रही है मेरी, और मैंने हालांकि स्वेटर पहना है लेकिन फिर भी वो मुझे शॉल दे रही है। शॉल देखिए आप कितनी प्यारी है। आप लोगों ने अगर मेरा व्लॉग चेक किया होगा शॉपिंग का गल्फ मार्केट में, तो ये हमने वहाँ से ली थी। अभी चर्च शुरू होने में बहुत टाइम है। आज बहुत सर्दी होने वाली है और बहुत सर्दी है अभी, पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले हम जल्दी जाए लेट जाए। घर जाके तो वैसे ही हालत हो जाती है खाने वाली, लेकिन मैं आपको भी सब बोल देती हूँ हैप्पी न्यू ईयर, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चर्च खत्म हो गया और हैप्पी न्यू ईयर आगे वाला, हमेशा खुश रहिए और नए साल में अच्छे काम कीजिएगा, गलत काम नहीं, और हमेशा बी पॉजिटिव और हमेशा खुश रहिए। खुदा बना आप सबके साथ, और अभी सब लोग जो हैं एक दूसरे को न्यू ईयर विश करते हैं।